नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरटीएल कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका मेन विषय तो है ही करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, मगर फ्यूचर, फ्यूचर क्या है, कब वो एक्चुअली एक्शन लेंगे कि नहीं, अभी का जो एनर्जी हो रहा है कलेक्टिवली, इसमें क्या सोच रहा है एक्शन के बारे में, क्या एक्चुअली फ्यूचर है। क्योंकि सिर्फ उनके बारे में सोच सोच के आप टाइम गवा तो नहीं रहे हो, ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है आपके लिए। ये जानने के लिए आज का रीडिंग कि फ्यूचर क्या होने वाला है आपके साथ, टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आया होगा क्या फ्यूचर है। मैं अच्छा, फ्यूचर के लिए एंड करंट फीलिंग, मेन करंट फीलिंग ही है, उसके साथ क्या फ्यूचर में वो क्या एक्शन ले सकते हैं, या आप दोनों में फ्यूचर क्या है, ये देखने के लिए आज का रीडिंग। सो लेट स्टार्ट। पहले हम लोग एनर्जी ओरेकल से देखेंगे एंड एनर्जी ओरेकल को क्लैरिफाई करेंगे हम लोग टैरो कार्ड से। डिटेल रीडिंग होगा, प्लीज पूरा स्किप नहीं करके आराम से देखिए, अच्छा से देखिए क्या करना है, वो भी टिप्स दूंगी कि क्या करना चाहिए इसके लिए, ये क्या सोचना चाहिए, ये भी आपके लिए टिप्स रहेगा। वैसे तो मैं सब ऑलवेज टिप देती हूँ, कोडिपेंडेंसी में डिपेंडेंट मत हो जाओ, बार बार बोलती हूँ। कोडिपेंडेंसी खराब बात नहीं है, मैं मेरी माँ के ऊपर कोडिपेंडेंट हूँ, मैं मेरे बाप के ऊपर कोडिपेंडेंट हूँ, मगर कोडिपेंडेंसी में अगर डिपेंडेंसी आ जाए कि नहीं उनको छोड़ के नहीं चलेगा, वो गलत बात है, ठीक है ना। तो ये जगह को बार बार दिमाग में रखते हुए खुला सा मुस्कुराहट सद फेस एंड खुला सा दिल, ये दोनों चीज रखते हुए आज का रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए डिवाइन आपके लिए बिल्कुल अच्छी एनर्जी लेके आने वाले हैं। सो एनी हाउ, इमीडिएटली करंट फीलिंग क्या है आपकी पर्सन का हम देखते हैं, क्या एनर्जी में है आपके पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी में है आपके पर्सन, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। आप लोगों की जो पर्सन है उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उनकी फेस सोचिए, उसमें ना गुस्सा, ना आकर्षण, ना खुशी, ना गम, बस आराम से जैसे एक दृश्य, एकदम साक्षी भव की जगह से आप देख रहे हो ऑल ओवर वर्ल्ड को इस टाइम में, ठीक है। ऐसा एक एनर्जी में आइए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है काफी अवेयर है, मुझे मालूम है काफी अलाइन है, काफी अवेयर है। सो ये एनर्जी में बिल्कुल आना, जिनका प्रॉब्लम होगा वो 10 से 0 तक गिनिए, पॉज कर दीजिए, 10 से 0 तक गिनिए, 10, 9, 8, 7, जब देखोगे बस आंख के सामने वो वाला जो 10 एक न्यू नंबर जो है वो जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, ब्रेन ठंडा, तब जाके आप जो भी देखोगे एक अच्छा से उससे मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है ना। सो लेट स्टार्ट। आपके पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, इमीडिएट फीलिंग क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। आपके पर्सन का इमीडिएट फीलिंग क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। आपके पर्सन का इमीडिएट फीलिंग क्या है आपके लिए, एनवी, द सन नंबर 20, एनवी नंबर 1 सन, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या आता है, फिर फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल का एनर्जी में एनवी क्यू आया है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। एनवी क्यू आया है, ये नंबर 20, एनवी नंबर 20, 2+0, 2 नंबर इंपॉर्टेंट, 20 नंबर इंपॉर्टेंट, बोथ नंबर इंपॉर्टेंट, 2 नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट कुछ होल्ड कर रहा है, थोड़ा इमोशनल हो रहा है, कुछ इमोशन को छुपा रहा है, इस टाइप का एनर्जी भी इनके अंदर होगा। एनवी बहुत कुछ डीपली सोचना एंड ऑल, बहुत सारा चीज, ये सब बहुत डीपली सोच के कुछ चीज को देख रहा है इस मोमेंट पे आपकी पर्सन। किंतु ये चीज क्यों आया है,
ये मुझे जानना है क्या ये चीज क्यों आया हुआ है, एनवी क्यों आया हुआ है, किस चीज के लिए इसका एनवी का कार्ड आया है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। टू ऑफ कप्स, आप लोगों का प्यार, इस मोमेंट का एनर्जी में वो आपको कितना प्यार करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप दोनों में पास्ट में क्या क्या सुंदर सा मोमेंट बिताए हो, या आप दोनों में ऐसा है कि कोई रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, आपका क्रश है, तो उसमें भी आप अगर सामने से भी गए हो या कुछ भी हुआ है, या आप दोनों का अगर बीता हुआ रिलेशनशिप है तो उस जगह में ये बहुत ज्यादा पुराना चीज फील कर रहा है, आपके लिए प्यार फीलिंग हो रहा है, जिस प्यार में सिर्फ प्यार और कुछ नहीं, यहाँ पे इस टाइप का एक एनर्जी फील हो रहा है इनको। द सन नंबर वन, द सन डोंट नंबर वन नंबर टू बोथ इंपॉर्टेंट, 20 तो है ही, तो द सन किस चीज से वो सन कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज हेल्प करें, क्यों जिस सन कार्ड आया है करंट फीलिंग में, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहा इस मोमेंट पे, ऐसा एनर्जी में है, आपके लिए काफी पॉजिटिव फीलिंग रख रहा है एंड आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहा इस मोमेंट पे, ठीक है। अच्छा 27 नंबर, वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे क्यों आया है, ठीक है, तो 27 2+7 9 नंबर 9, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग, कोई ना कहीं न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे, इनको भी डिप्रेशन लेवल इनका है, डिप्रेशन फील कर रहा है कहीं ना कहीं से, एंड इसके इसके साथ साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग इसके तरफ भी ये सोच रहा है, तो वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। 1 2 9 20 27 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फ्रूटफुलनेस की तरफ जो इतना दिन से वो सोच रहे थे, वो फ्री फ्रूटफुलनेस की तरफ वो वेट कर रहा है, वो देख रहा है कुछ पॉजिटिविटी आए, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप में जो फुलफिलमेंट नहीं आ रहा था उस चीज के लिए इस मोमेंट पे ये बिल्कुल एक होप लगा के आशा लगा के बैठे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो जाएगा आप दोनों में, वो जो स्टकनेस था जहां पे वो बंद थे वहां से वो निकाल के आपकी रिलेशनशिप की तरफ, आपकी तरफ, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाने का कोशिश में इस मोमेंट का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, ठीक है। जिस चीज को वो बहुत दिन सोचे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उस जगह में कुछ उनको लग रहा है कि कुछ तो पॉजिटिविटी आए, कुछ एक एक क्योंकि प्यार जो इतना फील कर रहा है, पहले सोचा था ठीक है ये रिलेशनशिप पासिंग है, नहीं होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, मगर आज का ऐसा कुछ एनर्जी है, जिस एनर्जी में, इसीलिए तो करंट फीलिंग इंसान को डेली लेके आना, एनर्जी चेंज होता है अभी का एनर्जी में, इसीलिए मैं फ्यूचर का भी देखना चाहती हूँ कि इस एनर्जी फ्यूचर को क्या चेंज लेके आ सकती है, इस एनर्जी जो आए है इसके लिए स्पेशल एनर्जी है, तो ये जगह में ये जो छोड़ना नहीं चाह रहा है ना, इसमें कोई फ्रूटफुलनेस ये मांग रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 50 नंबर, नंबर 5 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है, बाप ये कार्ड तो गिरा है। अच्छा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है, दैट इज एस ऑफ वांड्स, डिवाइन की तरफ से जो भी होगा एक्शन होगा, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगा, ये जो आपको छोड़ना नहीं चाहते कमिटमेंट, अब ये डिवाइन की तरफ से इनको मिलने वाला है। 50 नंबर ये जो है ना, ये डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं जो एनर्जेटिकल चेंज हुआ है उसमें डिवाइन इनको सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम आगे जाओ मैं हूं, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ जो है ना, एंजल्स डिवाइन इनको सपोर्ट कर रहा है, सो एनी हाउ सुपर पावर इनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ इनका सेल्फ जो एनर्जी बढ़ा है इसमें सपोर्ट कर रहा है। मेन होल्डिंग हार्ट 45 4+5 9 अगेन नंबर 9 मैनिफेस्टेशन का नंबर एंड साइकिल चेंज की नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। 5 9 9 तो दो बार आ चुका है, 27 45 4+5 9 2+7 9 समझ में आया, तो 1 2 9 5 ये सब नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, एंड साथ में 27 20 50 45। अच्छा चलिए देखते हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों होल्ड क्यों करके रखा है, बहुत सारा विश लेके बैठे हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स बहुत सारा, अगेन 9
मैं बोल रहा हूँ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कोई 9 9 9, एक न्यू साइकिल 3 9 आया है, 27, 2+7 9, 45, 4+5 9 एंड 9 नंबर, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल चेंज मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ये इनके, ये बहुत सारा विश लेके बैठे हैं, हो सकता है अभी एक्शन फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं, मगर बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। इस टाइप का एनर्जी, इस मोमेंट की एनर्जी में बहुत स्ट्रांग, ये बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अगर ये कुछ गलती कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत गिल्ट पे है, वो एक्सट्रीम गिल्ट पे है, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, फुल फ्रूटफुलनेस की तरफ देख रहा है एंड एक बहुत सारा विश लेके बैठे है, ठीक है। तो ये है जो एवरेज एनर्जी में इमीडिएट जो करंट एनर्जी आपके पर्सन का करेक्ट है, ये दिख रहा है। अभी देख रहे हो कि फ्यूचर में एक्शन, एक्शन तो पता ही चला है, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ फ्यूचर में एक्शन क्या लेने वाले हैं। ये तो सोच रहा है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, मगर ये जो डरपोक राजकुमार है ये क्या करने वाला जा रहे हैं, राजकुमार राजकुमारी जिनका जो भी है, चलो देखते हैं। इसमें भी मैं एनर्जी ओरेकल से देख के क्लैरिफाई करती हूँ टैरो डेक से, ठीक है। तो देखती हूँ कि क्या एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में, क्या एक्शन, ये सिर्फ सोच ही है या एक्शन है। प्लीज रिवाइंड, हेल्प करें। कॉर्नोकोपिया, फ्रूटफुलनेस, फ्लॉरिशमेंट, इसकी तरफ एक्शन बिल्कुल होगा, डिवाइन की तरफ से ये जो हैप्पीनेस इनको मिलने वाले हैं एंड वो जो एक्शन लेने वाले हैं बिल्कुल वो एक्शन में ट्रांसफर होगा। 11 नंबर, 1+1 2 अगेन 2, गॉडेस ऑफ द मून, यस, इनके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी, धीरे 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 इतना हील्ड हो रहा है ये, एक हीलिंग जैसे डिवाइन की तरफ से एक हीलिंग इनके लिए बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आप लोग अगर इनको हीलिंग करा रहे हो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन की तरफ से भी इनको हो रहा है कि कुछ हीलिंग इनको मिलने वाले है या ऐसा कुछ चेंजेस आने वाले है जिसमें ये बिल्कुल एक्शन लेना। 5+2 7, यस, इट्स अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, 4+1 5 अगेन 5, ठीक है। 41, देखिए इनका 100% डिवाइन का एक स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। इन ये भी जहां जहां स्टक होके रह रहे थे, आगे नहीं आ पा रहे थे, कर्मा एंड ऑल इनको ब्लॉक करके रखे थे, उस जगह से एक एनर्जी डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से जो एक आशीर्वाद है वो इनको मिल रहा है, मिलने वाले है। एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज एंड वो बहुत सारा पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे आपके पास प्रॉपरली आने के लिए। 24, 4+2 6, केयरिंग कनेक्शन। 14 अगेन 4+1 5, देखते हैं ये कार्ड को भी क्लैरिफाई करके देखते हैं। हाँ, कॉर्नोकोपिया क्यों आया है, कॉर्नोकोपिया क्यों आया है, 11 नंबर, 1+1 2 क्यों आया है, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। कुछ तो एम्परर एनर्जी में थे, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, मगर ईगो, कुछ ड्यूटी ये सब लेके जो फंसा हुआ इंसान वहां से, बहुत सारा ड्यूटी में फंसा हुआ इंसान यहाँ से वो एक्चुअली अपग्रेडेशन हो रहा है आपकी तरफ। ये पहले ऐसा ही ड्यूटी उनको लगता था यही जिंदगी निकाल जाएगा, मगर ऐसा नहीं, इस जगह से ये कोई अपग्रेडेशन, आगे जाना, इस टाइप का एनर्जी इनके लिए बहुत स्ट्रांग हो रहा है। नेक्स्ट है 52 नंबर, गॉडेस ऑफ द मून क्यू, यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स। इनके अंदर ना कुछ ऐसा मल्टीपल चॉइस हो सकता है, जेलसी हो सकता है, ईगो हो सकता है, ये सारा बहुत सारा चीज में ये स्टक थे, वहां से इनके अंदर वो सेक्रल का हीलिंग हो रहा है, सोलर प्लेक्सस का हीलिंग हो रहा है एंड वो धीरे 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 आगे जाने का कोशिश कर रहा है एंड वो ही वो एक हील्ड हो रहा है, ठीक है। अगर आप इनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी मतलब कोई एक्सपर्ट से प्रोवाइड करा रहे हो बहुत अच्छी बात है, कम से कम खुद को हील कीजिए, आपका एनर्जी भी उनके कनेक्टेड होके उनको हील करने में बिल्कुल सपोर्ट करेगा, ठीक है। देखते हैं 41, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ये बात क्या क्या चीज से
ये हो रहा है। देखिए ये जो डर था ना इनके अंदर, डर था, ये बहुत फियर में थे, इनके अंदर डिसीशन लेने का कैपेसिटी नहीं था। जो डिवाइन की तरफ से एक्चुअली इनको आशीर्वाद दे रहा दिया जा रहा है कि वो क्योंकि हील्ड भी हो रहा है एंड डिवाइन इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वहां पे एस ऑफ वांड्स भी आया था, तभी एक डिसीशन की तरफ ये प्रॉपरली जाने वाले है। एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज बैलेंस लेके आ रहा है। नेक्स्ट 24 नंबर बैलेंस लेके आ रहा है, ठीक है, एक बैलेंस की एनर्जी आ रहा है इनकी जिंदगी में, तब ये डिसीजन ले पाएंगे। केयरिंग कनेक्शन, एस ऑफ कप्स, इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन इनके अंदर, जो भी ये भगा है, आपको चीट किया है, अगर ये बात नहीं किया, आपको इग्नोर किया, हर चीज से निकाल के प्रॉपर रियूनियन की एनर्जी एकदम अच्छा से दिख रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूं। देखिए आप दोनों में डिपेंड करता है, जैसे मैं 5 का एनर्जी बहुत स्ट्रांग बोली हूँ, 9, 7, 2 है ना, ये सब एनर्जी 6 है, 5 का तो बहुत ज्यादा है, तो 9, 9, 9 बार बार आ रहा है, न्यू साइकिल स्टार्टिंग। ठीक है, मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली कीजिए, 5 का भी एनर्जी आया, 5, 5, 5, दैट इज ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग एंड मैनिफेस्टेशन नंबर 2। सो एनी हाउ ये जो नंबर है ये आवर्स हो सकता है, जे हो सकता है, वीक्स हो सकता है, जिसमें किसी किसी के लिए मंथ हो सकता है, मगर बहुत कम। बार बार बोलूंगी इस एनर्जी को बना के रखने का आपका ही होना चाहिए, आप कभी नेगेटिव मत सोचिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, खाली अगर सोचते रहोगे कि नहीं ये तो किसी से बात कर रहे हैं, आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो। डर के ऊपर काम कीजिए, कंफ्यूजन के ऊपर, लोअर फ्रिक्वेंसी चक्रास के ऊपर काम कीजिए। देखिए ये डर से आप निकल जाएंगे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये है एनर्जी, काफी गुड एनर्जी, आई एम वेरी हैप्पी। आज सच में रीडिंग करके ना मुझे बहुत खुशी मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है आप दोनों, आप लोगों का फेस भी बहुत स्माइलिंग फेस होने वाले है। ठीक है, ये एनर्जी को बना के रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है, एनर्जी को बना के खुद को खुश रखिए। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑल डिटेल्स है, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश, जो भी विश है वो दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए, और होने के बाद आप लोग इतना अच्छा से मुझे खुश होकर मैसेज करते हो, आई कैन फील द एनर्जी, आप लोग जो खुश हो रहे हो। थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो के अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।